हेलो दोस्तों, आप सभी का मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है, और कंप्यूटर फंडामेंटल में हार्डवेयर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है ना। इसके आगे आज हम लोगों को पढ़ना था कि हार्डवेयर भी समझना था और सॉफ्टवेयर भी समझना था। थोड़ा सा हम पीछे से ही पढ़ा देंगे क्योंकि आप लोगों का कल का जो वीडियो था उससे और इससे मैच करें, आप लोगों को समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग हार्ड, हार्ड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। और वेयर का मतलब जो होता है सामान, यानी कठोर सामान। वे वस्तु जो कठोर हो उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, यानी इससे स्पष्ट हो रहा है जो कठोर होगा यानी ठोस होगा उसे हम लोग छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना, वही होता है हमारा हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर का वे सभी भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, या एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रख सकते हैं, वे हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। अगर एक लाइन में आप लोग को बताना हो इसका डेफिनेशन, तो ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। नॉर्मल से एक परिभाषा, इसे आप लोग कोई भी बता सकता है। बस ये हमारा हार्डवेयर था, ख़त्म हो गया। इसके दो भाग होते हैं, ये आप लोग समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि अधिकांश लोग इसे बताते ही नहीं है, ठीक है। तो हार्डवेयर के दो प्रकार होते हैं, ये लोग नहीं बताते हैं। सिंपल हार्डवेयर बता देते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, यानी ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, यानी सभी भौतिक भाग जो कंप्यूटर के जितने भी भौतिक भाग हैं वे हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन इसके कौन कौन से भाग होते हैं ये कोई नहीं बताता है। तो हम लोगों ने समझा है कि हार्ड मतलब कठोर होता है, वेयर मतलब सामान होता है, यानी कठोर सामान जिसे हम छू सकते हैं वही हमारा हार्डवेयर होता है। इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला सीपीयू और दूसरा पेरिफेरल। अब समझिए सीपीयू क्या होता है। सीपीयू देखिए, सीपीयू आप लोग समझते हैं इतना बड़ा डिब्बा होता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सीपीयू। हालांकि सीपीयू नहीं होता है, लेकिन चलिए आप लोग मानते तो हम भी सीपीयू से मान रहे हैं। आगे बताएंगे आप लोगों को कि इसे सीपीयू क्यों नहीं कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसे हम सीपीयू कहते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले पार्ट जो होते हैं, इसके अंदर जैसे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, यहाँ पे SMPS, रैम, रोम, यानी यहाँ पे देख लिया, लिख दे रहे हैं रैम, रोम, मदरबोर्ड, SMPS इत्यादि, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं हमारे, इसके अंदर के भाग होते हैं, ठीक है ना। यानी सीपीयू के अंदर जितने भी पार्ट पाए जाते हैं, यानी भाग पाए जाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना, जितने भी डिवाइसेस पाए जाते हैं, ये सब हमारे सीपीयू यानी इंटरनल क्या होते हैं, इंटरनल हार्डवेयर। क्या होते हैं बाबू? इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत नॉर्मल बात है इसे समझना, क्योंकि ये कोई समझता नहीं ना कोई बताना चाहता है इसे, ठीक है ना। सीपीयू के अंदर पाए जाने वाले जितने भी डिवाइस यानी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सब को हम कहते हैं इंटरनल हार्डवेयर, ठीक है ना। और एक होता है एक्सटर्नल जिसे हम पेरिफेरल कहते हैं। अब बात करेंगे ये पेरिफेरल कौन से होते हैं। जैसे कि बात करिए लोग माउस की, माउस हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे कीबोर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। कीबोर्ड के बाद से प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर, इसके बाद से मॉनिटर हो जाएगा, मॉनिटर। ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये जो बाहर से कहाँ पे इंसर्ट कराए जाते हैं, तो ये इंसर्ट कराए जाते हैं हमारा सीपीयू के अंदर। ये टोटल डिवाइसेस कहाँ लगाए जाते हैं, तो सीपीयू के अंदर इसे कनेक्ट कराया जाता है। तो ये सब बाहर से ही तो कनेक्ट किया कराया जाता है, ये तो नहीं है कि ये ऑलरेडी इसके अंदर होता है, ये सब इसके अंदर तो होता नहीं है, ये बाहर से लाया जाता है और बाहर से इसके अंदर इंसर्ट कराया जाता है, इसलिए इसे एक्सटर्नल हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है, हार्डवेयर, या तो पेरिफेरल कहा जाता है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अधिकतर ये पेरिफेरल के नाम से ही पूछा जाता है, एक्सटर्नल के नाम से नहीं पूछा जाता है। तो पेरिफेरल यदि आप लोग को याद होगा तो इससे बनने वाले हर क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर सकते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर शनिवार को हो सकता है कि हम जितने भी एक हफ्ते के अंदर पढ़ा रहे हैं उसके टोटल मॉक टेस्ट के रूप में हम आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। हर एक क्वेश्चन, उससे बनने वाले क्वेश्चन जो होंगे उसे हम यहाँ पर लाएंगे और उसे प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि हमारे जो संस्थान है उसमें हर शनिवार को इसका टेस्ट भी करवाया जाता है, जितना पढ़ाया जाता है हर हफ्ते में
इस तरह से हम हर वीक में यहाँ पे वीकली हर सैटरडे को क्या करते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आप लोग भी हर सैटरडे को हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि एक पीडीएफ नोट्स लें जिसमें ये जितना भी पढ़ाया जा रहा है उन सभी का क्वेश्चन और हो और उसे हम डिस्क्राइब करके आप लोगों को बताएं। चलिए, तो ये था हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर में कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हार्डवेयर हमारा खत्म हो गया। इसमें अगर कोई भी डाउट या आपको नहीं समझ आ रहा हो या कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम बहुत बारीकी से आप लोगों का कमेंट पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं। इसमें आप लोग न टेंशन में जाएगा कि सर हम लोग का कमेंट नहीं पढ़ेंगे, प्रत्येक कमेंट को हम बहुत डीपली पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं। इसलिए आप लोग कमेंट करिएगा अगर जो आप लोग को समझ में ना आ रहा हो। देखिए, अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के कि ये सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से हम लोग हार्डवेयर पढ़े थे उसी के जस्ट अपोजिट जो होता है हमारा ये सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? अपोजिट सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल और वेयर का मतलब होता है सामान, ठीक है ना। सेम टू सेम कोमल सामान यानी बहुत ही नाजुक सामान जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना। नाजुक का मतलब ये नहीं कि उसे तोड़ दें बहुत आसानी से, नहीं, उसे छू ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे, सोल ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का आत्मा कहा जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंप्यूटर क्या कहा जाता है, कंप्यूटर नहीं सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का आत्मा कहा जाता है। तो जिस प्रकार से अगर बात करें मनुष्य के अंदर पूरे हाथ पैर मतलब पूरे अंग होने के बावजूद भी अगर मनुष्य के अंदर से आत्मा निकल जाए तो कोई कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के, सोल ऑफ कंप्यूटर इस गार्ड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का आत्मा कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर सारे पार्ट्स होने के बावजूद यानी हाथ पैर इत्यादि होने के बाद भी वो बगैर आत्मा के एक पड़े हुए लाश होता है, कोई वर्क नहीं करता है, उसी प्रकार से यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर ना हो तो ये किसी काम का नहीं होगा, बस वहाँ पर पड़ा रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा। देखिए, सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनके कई भागों में इसे डिवाइड किया गया है। तो इसके कुछ सॉफ्टवेयर के जो पार्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी कंप्यूटर जहां बनते हैं कंपनियों से ही इनबिल्ड करके दिया जाता है, बाकी कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग को खुद यहां पे आकर इंस्टॉल करना पड़ता है। कौन कौन से है वो आगे चल के हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। तो यहां पे समझ जाइए, सॉफ्टवेयर कोमल सामान यानी ये सोल्स ऑफ कंप्यूटर होता है यानी आत्मा के जैसे होता है, यानी ये निकलने के बाद कंप्यूटर बिल्कुल एक डब्बा की तरह हो जाता है, इतना समझ में आ गया। नॉर्मल भाषा में अगर बात करें तो कंप्यूटर को न ही हम लोग देख सकते हैं न ही हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हार्डवेयर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हार्डवेयर के अंदर होता है, इसलिए इसे हम लोग देख ना सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई यहाँ समस्या नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो बात करेंगे जितने भी हार्डवेयर डिवाइस होते हैं ना उन सभी को मैनेज करने का काम भी हमारा सॉफ्टवेयर ही करता है, यानी ये सॉफ्टवेयर के अंदर पाया जाता है। जिस प्रकार से हम लोग होते हैं नॉर्मल भाषा बोलचाल में आप लोग सुने होंगे कि ये चीज़ आत्मा नहीं कह रहा है करने के लिए, ठीक है ना, यानी आत्मा जो कहता है वही आप लोग करते हैं, होता है कि नहीं। उसी प्रकार से ये कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर के अंदर ये सॉफ्टवेयर पाया जाता है उसके, देखिए हमेशा कंप्यूटर का नाम मनुष्य से रिलेट करके पढ़ा जाता है क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये वास्तव में थोड़ी ही आत्मा है, हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि उसी तरह से ये है, ठीक है ना। तो समझिए, तो इसके बगैर हमारा हार्डवेयर कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना। अगर हमारा आत्मा अगर न कहे तो कोई हम काम करेंगे, जैसे मान्यता है, नहीं करेंगे। उसी प्रकार से आदेश निर्देश यानी टोटल काम किसका होता है? सॉफ्टवेयर का होता है। ये हार्डवेयर के अंदर पाया जाता है, जैसे हमारा बॉडी हार्डवेयर है, इसके अंदर उपस्थित आत्मा ही हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब जो जो आत्मा कहेगा यानी सॉफ्टवेयर कहेगा वही वही हम करेंगे। उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर जो कहता है, निर्देश देता है, आदेश देता है, वही हमारे जितने भी हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं वो सब हार्डवेयर करते हैं, ठीक है ना। तो अब समझ लेंगे, सॉफ्टवेयर कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉफ्टवेयर के कौन कौन से भाग होते हैं तो समझिए, सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम एक एक सॉफ्टवेयर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगा किसी को, आशा करते हैं। अगर होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना, समस्या का समाधान यहाँ पे किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ओएस होता है, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है ना। अब ये होते क्या हैं ये थोड़ा आप लोग समझिएगा। अभी आप लोग पढ़ चुके हैं कि सोल्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर का आत्मा कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिजिकल पार्ट जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोग। हालांकि पहले से जानते भी होंगे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर एंड सीपीयू कहा जाता है, लेकिन अब आ रहा है ओएस। ओएस को हम लोग कहते हैं हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिल। जो हमारा ओएस होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर का दिल होता है। इतना आप लोग नॉर्मली समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अब बात करेंगे बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। ये आप लोग के लिए रहेगा क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा बैकबोन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि बैकबोन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, लेकिन आप लोग को अगर पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो ये हमारा होता है हार्ट ऑफ कंप्यूटर। क्या होता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिल माना जाता है ओएस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है समझिए। ये देखिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, क्या कराता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये हमारा जो होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग होता है, जो क्या करता है अन्य एप्लीकेशन को चलाने के लिए, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए किसी का एक संस्थान है, इंस्टीट्यूट है खुला हुआ है, ठीक है ना, तो जो उसके मालिक है वो तो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन एक टीचर को रख दिए हैं, तो जो टीचर को रख रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप यहाँ से पढ़ाइए, और टीचर क्या क्या आ रहा है पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब आगे तक जा चुका है तो अपना अलग संस्थान खोल लेता है। वैसे ये अलग नहीं खोलेगा, लेकिन मतलब ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं उन सबको ये क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसपे कि वो चल सके, रन करें। ये आप लोग और अच्छी तरह से भी समझ में आएगा, अभी ये हम आपको बताने वाले हैं चारों ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए, ये आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया, कोई यहाँ से दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखेंगे, बात करेंगे ओएस की, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पे हम बता चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अब इसके कार्य को समझिए क्या क्या कार्य करता है। सिस्टम को क्या करता है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, यानी जितने भी सिस्टम होते हैं उसे क्या करता है, ये मैनेज करता है और उसको कंट्रोल करता है बहुत ईजी से। और अगला है कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम, यानी जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम होता है, मतलब प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामों के समूह को ही हम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी उसी से बनता है, यानी कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम से, ठीक है। यूजर इंटरफेस कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं ना उसे यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जोड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि अभी हम लैंग्वेज बताएंगे तो आप लोग समझने में आ जाएगा कि अगर ये जो कंप्यूटर होता है ये बाइनरी नंबर समझता है, केवल और केवल बाइनरी नंबर समझता है, लेकिन हम जो होते हैं ये क्या समझते हैं, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, ठीक है ना, उर्दू, ये सब लैंग्वेज समझते हैं। क्या कंप्यूटर समझता है, नहीं समझता है, ये मत आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कंप्यूटर हिंदी और उर्दू समझता है। वो क्या समझता है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है, और हिंदी और उर्दू को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का काम करता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है ना। और यहाँ पे बता रहा है यूजर इंटरफेस कंप्यूटर हार्डवेयर, तो ये किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि हमें हार्डवेयर कंप्यूटर जो हार्डवेयर से जुड़ने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है ना। कोई समस्या आ तक किसी को नहीं होना चाहिए। यह हमारा था ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं, इसके क्या क्या एग्जांपल होते हैं, वो बहुत मतलब डीप होता है, आप लोगों के लिए एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसपे हम बताएंगे कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं और वो कैसे कार्य करता है, ठीक है ना। जैसे विंडो हो गया, एंड्रॉयड हो गया, जैसे एंड्रॉयड जो होता है पूरे फ़ोन के लिए एंड्रॉयड आता है, ठीक है ना। एंड्रॉयड जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जिसके बगैर फ़ोन चलना असंभव है, चलेगा ही नहीं बिल्कुल ही। उसी प्रकार से विंडो होता है, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 11 तक आ गया, आप विंडो 11, विंडो XP, ये सब जो होते हैं ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल होते हैं। तो इन सबको भी बताने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जो पूरा हम सिंपल और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को ही उसमें पढ़ाएंगे, और कोई उसमें मतलब टॉपिक इनबिल्ट नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना, ये रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद से हम बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेट का, ठीक है ना, कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं, गूगल ट्रांसलेट का ये यूज करते हैं, यानी अनुवादक का कार्य मतलब हेल्प लेते हैं, उसी प्रकार से ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। अब ये किस चीज़ को ट्रांसलेट करता है, हिंदी को उर्दू में थोड़ी करता है, किस में करता है, हिंदी को उर्दू में नहीं करता है, ये क्या करता है, किसी भी मानव लैंग्वेज को क्या करता है, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जितने भी मानव लैंग्वेज होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कौन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है ना। ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं, देखिएगा, पहला होता है कंपाइलर, कंपाइलर, दूसरा होता है हमारा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, अगला होता है असेंबलर।
तो ये हमारे क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, यानी ये भी हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसी के ये ग्रुप होते हैं, और प्रोग्राम के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, सब तीनों सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ठीक है ना, इतना ध्यान, ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक। जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, ये भी एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसी प्रकार से ये भी हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। देखिए लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यल 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 और एक होता है यच यल यल, फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, क्या होता है लो लेवल लैंग्वेज, और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। आप लोग को हम कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ाएंगे उसमें बहुत डीप समझाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी हम समझाएंगे कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, लैंग्वेज पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगा लेकिन लैंग्वेज समझ में आ जाएगा आप लोगों की, लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लो लेवल लैंग्वेज देखेंगे। लो लेवल लैंग्वेज यानी जिसे हमें कोडिंग करना होता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में, बाइनरी नंबर में, वे होते हैं लो लेवल लैंग्वेज, यानी जो मनुष्य को समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होते हैं और कंप्यूटर को समझने में बहुत आसान होता है, उसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। समझ में आ रहा है, बहुत आसान से समझिएगा, जो कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है मनुष्य की अपेक्षा, यानी मनुष्य बहुत देर से समझता है, उसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। इसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, यानी जो मनुष्य बहुत आसानी से समझ जाता है लेकिन कंप्यूटर उसे नहीं समझ पाता है, उसे समझने के लिए इन सब का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ता है, तब जाकर मशीन समझता है। कौन सा लैंग्वेज, यल, यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझने के लिए ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ता है, तो सिंपल सी बात है, यल, यानी हाई लेवल लैंग्वेज, जो मनुष्य आसानी से समझ जाता है लेकिन हमारे कंप्यूटर नहीं समझ पाते हैं, उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो ये हमारा जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है, ये सब ट्रांसलेटर है, इसे भी हम डिस्क्राइब करके बताएंगे, एक एक का एक अलग अलग टॉपिक पढ़ेगा, यानी कंपाइलर किस तरह काम करता है, इंटरप्रेटर किस तरह काम करता है, असेंबलर कैसे काम करता है, ये सब का अलग अलग एक टॉपिक है, इसे हम बताएंगे आप लोगों को। लेकिन अभी तक समझिए कि ये हमारा कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा भाग होता है, और इसमें दो प्रकार के लैंग्वेज होते हैं, यल और यल, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं, इतना आप लोग समझ जाइएगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसमें आगे और भी थोड़ा सा है जो हम अगले वीडियो में जब हम लैंग्वेज ही कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ाएंगे उस समय आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बात करेंगे हम लोग का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है बेसिकली, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझिए, ये भी हमारे सॉफ्टवेयर का ही भाग होता है लेकिन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर भी जान गए कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, लेकिन अब पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो समझिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिस प्रकार से यदि हम फ़ोन खरीद ले रहे हैं या लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि हम खरीद ले रहे हैं तो उसे ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगा, चलने के लिए तैयार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलने के लिए तैयार हो जाएगा, फ़ोन ही हमारे चलने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन चलेगा क्या, क्या चलेगा, चलने के लिए तैयार तो हो जाएगा लेकिन चलेगा क्या, सिर्फ कंप्यूटर दौड़ेगा जिस तरह मनुष्य दौड़ता है, नहीं, उसमें दौड़ने के लिए, रन कराने के लिए एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ रहा है, यानी ऐप, अगर फ़ोन यूज करते हैं तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐप कहते हैं, LLP ऐप, यानी अगर हमें कहीं फ़ोन करना है, हेलो फ़ोन करना है तो तुरंत हम क्या करेंगे, डायलर पैड, ठीक है ना, अगर किसी से चैट करना है तुरंत व्हाट्सअप निकालेंगे, ये सब क्या है, एप्लीकेशंस हैं, क्या है, एप्लीकेशन है। इसमें अगर हम कोई भी, अगर मान लीजिए वीडियो अगर रिकॉर्ड वगैरह कर रहे हैं, जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो ये भी हमारा क्या है, एप्लीकेशन है। कौन सा एप्लीकेशन, कैमरा के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कंप्यूटर चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, यानी इसे ऑन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अब उस पर हम अगर कंप्यूटर में कार्य करना चाहते हैं तो बगैर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संभव नहीं है कि कंप्यूटर में कार्य करें, क्योंकि इसी पर तो काम करते हैं ना, इसको इसका प्लेटफॉर्म देता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करता है, प्लेटफॉर्म देता है कि तुम आओ मेरे यहाँ आकर काम करो, ठीक है ना, तुम आओ और मेरे यहाँ आकर काम करो। तो ये एप्लीकेशन जाता है कहाँ पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के OS पे, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वहाँ पे जाके काम करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम अभी बता ही चुके हैं कि फ़ोन में अगर बात करें डायल पैड, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब क्या है, एप्लीकेशन है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में बात करें तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, टैली, क्या है टैली, ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंपल सी बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि OS की, तो OS हमारा क्या कर रहा है,
वो थोड़ी चलता है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप आइए हमारे यहाँ चलिए, यानी ये सब एप्लीकेशन को आमंत्रित करता है कि आप ही लोग हमारे अंदर आकर कार्य कर सकते हैं। तो हम देखिए जितना भी कार्य करते हैं कंप्यूटर के अंदर ना, तो कंप्यूटर पर नहीं करते हैं हम, कंप्यूटर के अंदर उपस्थित एप्लीकेशन पर हम कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर पर हम काम नहीं करते हैं, कंप्यूटर के अंदर उपस्थित जो एप्लीकेशन होते हैं उस पर कार्य करते हैं। अन्यथा सिर्फ हम कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास फ़ोन दे दिया जाए तो हम, अगर उसमें डायलर पैड नहीं हो तो हम किसी के पास कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। व्हाट्सअप नहीं हो तो किसी से हम चैट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फेसबुक ना हो तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इस तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत ही मायने रखते हैं कार्य करने की दृष्टि से। आप लोगों को हम बताए थे बेसिक कंप्यूटर BCC बताए थे, उसके बाद से आप लोगों को ADCA बताए थे, DCA बताए थे, एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन बताए थे, यानी जो एप्लीकेशन एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन से पढ़ना। हम कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन भी पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं किसमें? एडवांस, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझाया था हम जब कोर्स समझा रहे थे, ठीक है। तो यही इसका महत्व होता है एप्लीकेशन का, इसीलिए एप्लीकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर यदि हमें कार्य करना है तो एप्लीकेशन को जानना बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। समझ में आ गया ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अगला सॉफ्टवेयर कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यदि आप लोग कोई भी समस्या हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जरूर कमेंट करिएगा, बताएंगे। यहाँ पे बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिस प्रकार से हम सारी चीज़ें के बारे में बात कर चुके हैं कि हमारा शरीर होता है, शरीर के अंदर आत्माएं होती हैं, आत्मा होने के बाद से आत्मा ही काम करवाती है, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उसके अंदर भी आत्मा दिल होता है, उसके अंदर भी ब्रेन होता है, उसके अंदर भी बैकबोन होता है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग जान चुके हैं। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है, तो अब देखिए हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं, तो अब समझिए ये बताइए हम लोग के पास जितने भी शरीर है, हम लोग का तबीयत तो खराब होता ही है ना, हम लोग तो कभी तो सफरिंग होते हैं यानी बीमार पड़ते हैं। तो जब बीमार पड़ते हैं तो हमें कौन बचाता है? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या बनाता है? इम्यूनिटी सिस्टम हमें बचाता है, हमारे रोग जो होते हैं, हमें जो बीमारियां होते हैं उससे लड़ने में मदद करता है। सफरिंग यानी बीमार पड़ते हैं कभी कभी, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो तो लड़ता ही है रोगों से, लेकिन अगर वो नहीं लड़ पाता है, अगर कमज़ोर होता है, तो हम बाहर से मेडिसिन लेते हैं और खाते हैं। उसी प्रकार से यदि इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आ रहा है यानी इसमें वायरस आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें बाहर से एंटीवायरस लगवाने पड़ते हैं। क्या लगवाने पड़ते हैं? एंटीवायरस। जो एंटीवायरस ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रदान कर, यूटिलिटी ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाता है, यानी एंटीवायरस ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, समझ में आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है, पूरे सिस्टम को क्या करता है? मैनेज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य करने का काम आता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा प्रोवाइड किए गए प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग कार्य करते हैं। लिखना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि PDF तो हम प्रोवाइड करवाइए देंगे, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप लोग को हर जितने भी पढ़ाने हैं सभी का PDF नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है इस प्लेटफॉर्म देता है और उसी प्लेटफॉर्म पर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन इन दोनों की सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, इसके बचाव के लिए हमारे पास होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इन दोनों का बचाव करता है, यानी वायरसों से बचाव करता है। यदि मान लीजिए हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर काम करें, कोई फाइल ही बना दिए, अगर बहुत इंपॉर्टेंस फाइल है, एक फाइल बना दिए और वायरस आ गया, उसको करप्ट कर दिया, ख़राब कर दिया, तो क्या हो जाएगा? हमारा पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा। लेकिन अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वहाँ पे उपलब्ध है तो उस वायरस को हमारे फाइल तक जाने ही नहीं देगा, यहीं से ये ख़त्म कर देगा उसको, ठीक है ना। इसलिए हम लोग एंटीवायरस का उपयोग करते हैं कि वायरस से हमारा सिस्टम क्या हो, बचे रहें। नेक्स्ट आ रहा है बैकअप प्रोग्राम। जितने भी कंप्यूटर में हम लोग बैकअप लेते हैं, जितने भी फाइलों का बैकअप इत्यादि लेते हैं, वो सब किसके अंदर आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। फाइल मैनेजर यानी जो भी हमें ये मैनेज करना होता है कि किस एप्लीकेशन को या किस फाइल को, किस फोल्डर को कहाँ पर स्थित करना है, ये सब हमारा कौन सा मैनेजमेंट करता है? तो फाइल मैनेज करता है, ठीक है ना। यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है फाइल मैनेजर, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या क्या उपयोग होता है, ये सारी चीज़ें आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग को अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कतें हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में आप लोग को हम रिप्लाई जरूर देंगे, आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब समझ में आ गया, व्हाट इज कंप्यूटर क्या होता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग और बात करेंगे ना यूजर का, यूजर क्या होता है, ठीक है, अभी बता रहे हैं। उसके बाद से बात करेंगे एप्लीकेशन बहुत इजी। नेक्स्ट बात करेंगे OS, पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
पढ़ चुके हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी, यूजर भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है ये समझिए आप लोग, ये सारे हार्डवेयर भी बता चुके हैं हम लोग, OS भी समझ चुके हैं, एप्लीकेशन भी समझ चुके हैं, यूजर भी समझ चुके हैं। लेकिन एक बार समझिए, यूज करने वाला ही यूजर कहलाता है, यानी कंप्यूटर को जो यूज करता है वही क्या कहलाता है, यूजर कहलाता है। समझिए, कंप्यूटर को यूज करने वाला क्या कहलाता है, यूजर कहलाता है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, कंप्यूटर को यूज करने वाला ही यूजर कहलाता है। कंप्यूटर को यूज करने वाला यूजर कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसपे हम कंप्यूटर में काम करते हैं वही हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, जो कि काम करने के लिए, एप्लीकेशन को काम करने के लिए ये हमारा क्या कहता है, स्पेस बनाता है, जगह बनाता है। अब होता है हार्डवेयर। ये देखिए, हार्डवेयर के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए, यूजर क्या करता है, एप्लीकेशन पे कार्य करता है। एप्लीकेशन किस पे रन करता है, OS सिस्टम पे रन करता है, और यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर कहाँ उपस्थित होता है, हार्डवेयर के अंदर। सिंपल से फंडा इसे आप लोग समझ सकते हैं। जो यूजर होते हैं वे हमेशा कार्यरत होते हैं किस पे, एप्लीकेशन पे। काम किस पे किया जाता है, एप्लीकेशन पे ही किया जाता है। किसी को कॉल करना है, किसी के पास मैसेज भेजना है, किसी के पास ईमेल करना हो, या किसी को वीडियो कॉन्फ्रेंस करना हो, ये सब किस पे होगा, एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। कौन करेगा, यूजर करेगा। अब एप्लीकेशन किस पे चलेगा, इसको चलाने में सहायता कौन करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एप्लीकेशन चलाने के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा, यानी सहायता, हेल्प करेगा। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर कहाँ पे रह पाए जाते हैं, तो हार्डवेयर के अंदर। हार्डवेयर अगर नहीं रहेगा तो क्या सॉफ्टवेयर कहाँ रहेगा, हवा में तैरेगा? नहीं, हार्डवेयर के अंदर रहेगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना बहुत है। आज की वीडियो में आप लोगों ने समझा कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। नेक्स्ट कल हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।